हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग एंड माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज शुरू कर दिया मैंने ब्लॉग बनाना, कई दिन में बनाया करूँगी क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और आदत सी हो गई है वीडियो बनाने की। अब नहीं बनाने बनाती तो ये लगता है नहीं बनाए, चलो बना लेते हैं। उम्मीद है कि कुछ हो जाए, जो होगा वो तो होगा ही, लोग नहीं करेंगे तो क्या हुआ। ठीक है, तो हमारी सुबह हो गई है कढ़ी से और मैं बना रही हूँ आज मेरी बुआ की रेसिपी की, जैसे मेरी बुआ बनाती है, सबसे छोटी वाली बुआ बनाती है इस तरीके से राजस्थानी कढ़ी। तो मिलते हैं बनाने के बाद। कुछ लोगों ने बोला है मुझे कि रसोई से बाहर भी निकल कर बनाया करो कुछ, लेकिन रसोई के बाहर क्या बनाऊँ, मेरा काम यही है, ब्लॉगिंग का है, डेली रूटीन का है, तो यही आएगा, यही बनाऊंगी। और देखते हैं, काफ़ी दिनों के बाद बुआ की रेसिपी की कढ़ी बना रही हूँ कैसी बनती है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ डाल ली है और तड़का नहीं लगाया, तड़का लगाऊंगी बाद में, पहले इसको उबाल लूँगी। जब ये उबल जाएगी उसके बाद ही तड़का लगाऊँगी। देखते हैं कैसी बनती है आज। बना के प्याज काफ़ी दिन हो गए लिए, उगाई है तो ये आल के रूप में काम आएगी, टेस्टी बनेगी कभी। तो मिलते हैं काटने के बाद। तो यहाँ पर मैंने काट ली है और अब इनको कट कर लेते हैं। तो मैंने चाकू से तो नहीं काटी, इससे काटते हैं क्योंकि बारीक चाहिए। और तो वो तो हो गया ख़राब, कोई नहीं, हमारे पास दूसरा है, दूसरा यूज़ करते हैं और जल्दी जल्दी काट लेते हैं। तो हमारी कढ़ी उबल चुकी है और इसको रख देते हैं इस गैस पे क्योंकि ये चलती है थोड़ी मंदी और वो चलती तेज। देखते हैं कढ़ाई छोपने की तैयारी। इसी में डाल लूंगी लहसुन और इनको कूट लूंगी। तो यहाँ पर कर ली मैंने सारी तैयारी। तो हमारी कढ़ी हो गई है तैयार, छोक लगा दिया है मैंने और रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं आ गई हूँ छत पर रोटी बनाने के लिए। आज तो धूप आ गई क्योंकि कढ़ी में बहुत देर लग गई थी। और घर का काम, ये काम हुआ है हमारा और अभी तक भी मिस्त्री नहीं आए हैं, दूर से आते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है उनको। और मैं बना लेती हूँ तब तक रोटी, चूल्हे पर आई हूँ। सब जगह ऐसे ही हो रखा, कपड़े भी यहाँ सुखा रखे हैं क्योंकि ऊपर सुखाऊँगी वहाँ पर तो उड़ जाएंगे, इसलिए यहीं पर सुखा रखे और कहीं जगह नहीं है। कोई नहीं, कुछ दिन की बात है। तो अब हो गई है रात और काम हमारा सारा हो गया ख़त्म। दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है और कोई देखता नहीं है, तो इसलिए छोटी सी वीडियो बनाई है। और मैं ओपन करने वाली हूँ अब ये पहले भी दिखाया था वीडियो में, बहुत टाइम पहले, एक साल पहले, वो ख़राब हो गई थी हमारी मशीन, तो मैंने फिर से ऑर्डर की है, चेंज हो गई है, पैसे आ गए थे उसके और फिर से वो ही ऑर्डर करके मंगाई है। तो इस बार सेफ्टी से रखेंगे, तब तो सोचा था वारंटी में खूब चला लो इसको, जितना मर्जी उतना चला लो, कुछ भी हो जाए चेंज हो जाएगी, लेकिन अब नहीं होगी, अब तो थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ेगा। तो खोलते हैं इसको। तो मैं आ गई हूँ किचन में खोलने के लिए और खोलते हैं इसको।
इतनी हैवी नहीं है जितनी डब्बे से लग रही है। तो हमारी हो गई मशीन रेडी और आप इसको देखते हैं चलाकर। चल गई हमारी मशीन और मैंने सोचा था इसको नहीं चलाऊंगी, मक्खियों के लिए मंगाई थी, लेकिन अब मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मक्खियाँ तो है नहीं क्योंकि बंद हो गया सारा घर और मच्छर बहुत ज़्यादा है तो मच्छर इससे मरेंगे। अभी चालू करिए, चलाते हैं इसको। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ना लगे तो मत करना, ठीक है। बाय बाय। और ये मैंने अभी यहाँ लगा दी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में ही सारे मक्खी मच्छर मर जाएंगे, अभी तो नहीं आ रहे हैं।